लखीमपुर खीरी में हुई घटना और प्रियंका गांधी वाड्रा के गिरफ्तारी के विरोध में तथा उनकी तत्काल रिहाई सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में कचहरी चौक पर रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस और सिटी मजिस्ट्रेट के समझाने के घंटों बाद धरना खत्म हुआ। कांग्रेसियों द्वारा किए गए रास्ता जाम से आम नागरिकों सहित एम्बुलेंस के मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा। उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव के समझाने के बाद कांग्रेसियों ने धरना खत्म किया, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, पहली प्राथमिकता एम्बुलेंस को। गांधी को यार रिहा करवा दीजिए या हम लोग गिरफ्तार कर लीजिए। उन्होंने यही मांग है। और जो किसानों की अगर उस तरह मांग नहीं पता हम लोग यहाँ बैठेंगे। आप मैं कहता हूँ या तो आप मंगल पांडे बन जाइए या तो हमको गिरफ्तार करिए या हमारे ऊपर लाठीचार्ज करिए, नहीं तो हम लोग लखीमपुर खीरी में जो भी कांड हुआ है उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ शांतिपूर्वक धरना पर बैठे हमारे किसान
शांतिपूर्वक अपनी मांगों को मांग रहे थे, लेकिन इनके मंत्री, गृह राज मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को निर्मम हत्या करके कुचल दिया, जिसमें आए दिन सरकार किसानों की हत्या कर रही है, जो कि किसान देश के अन्नदाता है, और ये लगातार किसानों की हत्याएं कर रही है, जिसकी मांग को लेकर के, जिसे देखने के लिए आदरणीय महासचिव, हमारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी किसानों की समस्या को और उनके दुख को, उनके परिवार को देखने के लिए पहुंची। उन्हें आधी रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया, उनके साथ अमानवीय कृत किया गया, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करते।